अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। आज मुझे दो चार काम करने थे, जिनमें एक इम्पोर्टेंट काम जो है वो मेरे कार पार्क का है। जहां पे मैं अपनी छोटी गाड़ी खड़ी करता हूँ ना, वहां पे नीचे मैंने एक्चुअली मट्टी डलवाई हुई थी। आजकल बारिशें बहुत हो रही है और वहां पे ना हमेशा कीचड़ बन जाता है बहुत ज्यादा। गाड़ी को रोज रोज धुलवाऊंगा और ना मैं धोऊं। मैंने सोचा जाके ना, मतलब है कि वो पत्थरों वाली जो होती है ना, रेत सैंड, वो या छोटे छोटे अगर पत्थर मुझे मिलते हैं दुकान से तो मैं वो खरीद के ना उधर नीचे डाल दूंगा, क्योंकि वो जब सूखेगा तो इट्स गोना बी वेरी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। देखो मैंने उस दिन जो पेंट किया था मेरे बालों पे भी लगा हुआ। खैर, जुम्मा भी है और खाना भी लेना है। अभी तकरीबन टाइम हो गया 12:12 और 12 सेकेंड, 12 के छोटे छोटे सेकंड। चलते हैं, जाके मट्टी लेते हैं, कुछ पौधे लेते हैं और साथ में वो सैंड लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है। फिर उसके बाद जाके ला गाड़ी। ये भी गंदी है पर डजंट मैटर, छोटी गाड़ी ऐसे लेके जा रहा क्योंकि इसकी डिग्गी छोटी है और डिग्गी बिल्कुल है ही नहीं, तो बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं और जाके उसमें अपनी चीजें लेके आते हैं। उसके बाद मैंने बड़ी गाड़ी स्टार्ट की और ऐसी बदबू मारती है ना ये गाड़ी इतने दिनों के बाद, आई डोंट नो। एक बात बताएं कि ऑटोमेटिक गाड़ी जितनी भी लेटेस्ट मॉडल्स है ना, उनको आई थिंक रेगुलर ऑन करना चाहिए। मैंने तकरीबन एक वीक के बाद इसको आज स्टार्ट किया है और इसके इंजन से इतनी गंदी बदबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। पर खैर, आई होप एवरीथिंग इज ओके। ग्लूमी ग्लूमी सा मौसम है। एवरीथिंग इज सो वेट, माई गॉड, लुक एट द माउंटेन्स, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। आज बहुत खूबसूरत वेदर है, मेरी पसंदीदा वेदर है आज। अच्छा गाइस, ये वाले दो पत्थरों के पैकेट मैंने लिए हैं और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं इंशाल्लाह एक दिन जाऊंगा और ख़ुद दरिया से लेके आऊंगा। छोटे छोटे पौधों की प्राइस चेक करिए, स्पेशल है। बंदा रखता है ट्रॉली में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स चेक करिए, ब्यूटीफुल खूबसूरत है। बोले 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 गाइस, मैंने एक जस्मीन फ्लावर का पौधा लिया क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और इसको चंबेली बोलते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक मैंने पौधा वो लेके चला गया, गाड़ी में रख लिया चाचा जान। तो यस, वो जो ट्रॉली में जितनी भी चीज़ें रखी हैं मेरी ही हैं, चेक करिए, दिखाता हूँ आपको। एक ही मेरा चमेली का पौधा है, वो दो पत्थरों के वो हैं। और आप मुझे इस पौधे के लिए ना ये मिट्टी लेनी पड़ेगी ज़रूर, ताकि मैं इसको गमले में आराम से लगा सकूँ। यही मिट्टी लेते हैं, बाकी तो तरह तरह के ब्रांड हैं यहाँ पे मिट्टियों के, बट सारी मिट्टी एक जैसी होती है, तो इसको लेते हैं इंशाल्लाह। गाड़ी की डिक्की खोल दी है, ये आगे भाईजान। यस ब्रो, नीचे रख दिया ताकि गंदगी ना हो। राजा दो फायर ब्रिगेड लियो। रास्ता हाईवे पे जुड़ना इतना इजी नहीं है, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता है, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। अब हम जिधर मर्जी जाएं और जैसे मर्जी जाएं। अनीता झूलो दे दे, चलो जी अब आगे से लेंगे यू टर्न एंड देन देयर वी गो। एक तो ये जैम शुरू हो गया कसम से, अब जैम तो खुल गया लेकिन कोई ड्राइवर ना बड़े पेन होते हैं अल्लाह की कसम। लाइक लुक एट द इन फ्रंट गाय, कसम है ना आप चला दे ना मां चला दे यार, गो क्विक ब्रो गो। अभी माशाल्लाह थोड़ी सी ठंड पड़ी है क्योंकि रोड थोड़ा सा एम्प्टी हुआ है एंड इट्स आई फील गुड टू ड्राइव ऑन इट। शुक्र है अभी थोड़ा सा रास्ता खुला है यार, आई स्वर इट वाज अ जैम बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फास्ट लेन में चला ले तो थोड़ा अच्छा रहता है, एम्प्टी रहता है हमेशा। आगे रोड का काम चल रहा है और यकीन मानो इन्होंने पिछले दो चार दिन से इतनी मुसीबत डाली हुई है ना, लाइक लिटरली छोटा से रास्ते के लिए इतना तगड़ा जैम लगा होता है, मैं आपको क्या बताऊं। लाइक लिटरली आप यहाँ पे 20 से 30 मिनट आराम से जाया कर सकते हो।
अगर आप सोच रहे हो कि वो अंकल ने और चाचा जान ने जो भी सामान डिग्गी में रखा था उसमें पौधा कहा था, तो पौधा जी पीछे सीट पे बैठे हुए हैं, ये चेक करिए, चमेली उस्ताद, क्या बात है ना, वैल्यू भाई, ऐसा वैसा। आज जुमा भी है, भूख भी लगी और तोरशा वाला था वास्ता। सुन ली जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब तक वहां पे पहुंचूंगा लाइट फिर रेड हो जाएगी, रेड लाइट को तोड़ना पड़ेगा आज। तुम डालो काबुली पुलाव, ये करेला और ये दाल चना और ये चना और वो क्या है, सार्डिन आलू। अच्छा गाइस, बहुत अच्छा रोड है और रोड के आखिर में जो चीज है ना मैं आपको बताता हूँ, वो है ये कब्रिस्तान रोड के बिल्कुल आखिर में, वो सामने पहाड़ के बिल्कुल नीचे। भाई खाने के बाद तकलीफ तो होगी बट इट डजंट मैटर बिकॉज क्यों, उसके बाद मैं मेडिसिन ले लूंगा, लेकिन आज खाऊंगा जरूर, ले लिया इंशाल्लाह खाऊंगा। गाइस ये मेरा काबुली पुलाव, चिकन एंड पुलाव, ये आई थिंक सारे इसको जानते होंगे। मुझे पता है मुझे तकलीफ होगी ये खा के, लेकिन मैं उसके बाद मेडिसिन खा लूंगा क्योंकि काफी अरसा हुआ है मैंने इस तरह का खाना सही तरह नहीं खाया। लंच मैंने कर लिया, बाकी अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, अल्लाह करे तकलीफ ना ही हो। तो अभी तकरीबन जुमे का टाइम हो गया, तो सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं और चेंज कुर्ता हमने पहन लिया है, बाल अभी भी आइंस्टाइन की तरह, लेकिन इन पे टोपी पहनते हैं। यकीन मानिए कुंडले बालों का भी बड़ा मसला होता है, कर्ली बालों का, टोपी को जोर से बिठाया हुआ है वरना किसी भी टाइम बाल ना जब अपने जोश में आएंगे टोपी उड़ जाएगी। बट ओवरऑल चलते हैं नमाज के लिए, एक ही कुर्ता है मैं, इसको ईद पे जुम्मे पे और सारे मुस्लिम त्यौहार पे यही पहनता हूँ मैं। पाकिस्तान से मैं कभी कुछ लेके नहीं आया और यहाँ पे कुर्ता शुर्ता मिलता नहीं इतना खास मेरे साइज का, तो मेरे पास यही है, बस ईदों पे जुम्मों पे और सारे मतलब इस्लामिक त्यौहारों पे यही पहनता हूँ, ये ब्लू वाला ही। गाइस धूप है और मैंने अपने ही मसल्ले को ना छांव बनाया हुआ उसके, और नमाज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ के मैं वापस जा रहा हूँ। अब मस्जिद में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काफी लोग थे और मैं लेट भी हो गया था। अच्छा मलेशिया के वेदर का पता नहीं चलता है कि अभी धूप होगी और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। नमाज पढ़ने के बाद मैं आ गया था और मैंने बोला कि अपने प्लांट को ना उसको गमले में डालते हैं पॉट में, पता चला यार मेरे पास तो कोई गमला ही नहीं है, तो अब मैं आया हूँ गमला लेने, साथ में कुछ और चीजें लेता हूँ, लेट मी शो यू। शायद मुझे कल पहांग जाना है और पहांग बहुत दूर है, फिर अगर पौधा इसी तरह रह गया तो फिर उसको ना वैसे बारिश खा जाएगी। अच्छा गाइस मेरे 2-3 व्लॉग और भी हैं, वो व्लॉग जो हैं वो मेरे कमरे, तो गाइस वो कमरा मैंने एक्चुअली बहुत पुराना गंदा कमरा था जिसको मतलब है कभी हमने ओपन ही नहीं करा, कमरा था वो मैंने एक्चुअली काफी अरसे से बंद था, मैंने उसको खोला, खोल के मैंने साफ किया, उसमें से गंदगी है जो भी मैंने फिर भी फेंकनी है, मुझे वो मतलब है लोग नहीं मिले अभी तक, तो उसको फिर मैंने पेंट किया। तो वो जो व्लॉग है उस कमरे के बारे में वो भी 2-4 व्लॉग हैं, पता नहीं वो पहले पोस्ट करूं कि ये पहले पोस्ट करूं, खैर व्हाटएवर जो भी व्लॉग आए तो आपने देख लेना है। पहले वाले गमले है ना फ्लावर पॉट वो इस तरह के हैं, लेकिन ये छोटा है वो बड़े हैं, अब इस तरह का कहाँ से मिलेगा, और अगर एक जैसे ना वो तो बड़े फनी लगेंगे वैसे, या शायद मुझे ये छोटा लग रहा है, पता नहीं, आई थिंक ये छोटा है मेरे ख्याल में, ये तो मसला बन गया क्योंकि वो साइज नहीं मिल रहा और बाकी जो है वो बड़े वियर्ड से हैं, मैच नहीं होगा और बड़ा बुरा सा लगेगा। तो मैं सोच रहा था, बड़ा कंफ्यूजन यस, फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं यही लेता हूँ। एक्चुअली ये प्लांटिंग के लिए है लेकिन इसके अंदर गमला रखा जाता है, ये इंडोर के लिए शायद, बट आई थिंक मैं इसको लेता हूँ और इसको ही आउटडोर बनाऊंगा, आई थिंक मैं इसको फाइनल करता हूँ। अब प्रॉब्लम यह कि मुझे इस गमले का स्टैंड चाहिए और स्टैंड मुझे पता नहीं कहाँ से मिलेगा, दैट्स अनदर कन्फ्यूजन। ओ अल्लाह करे स्टैंड हो, अगर ना हुए तो फिर अलग से एक रोला है। एक्चुअली गाइस वो दूसरे वाला भी कैंसिल हो गया है, वो जो रखा हुआ है, क्योंकि उसके नीचे कोई स्टैंड नहीं और इसके नीचे एटलीस्ट स्टैंड है, तो बाकी सारे तो काले हैं, ये वाइट मिला है, आई थिंक यू नो इसमें शुक्र अदा करना चाहिए, इसी को ही लेते हैं और इसी को ही फाइनलाइज करते हैं, इसके बाद मैंने किसी चीज को नहीं देखना। ये है हमारी फाइनल चॉइस जो हमने चूज करी, तकरीबन 10 दफा चुनने के बाद इसको ठोकते हैं गाड़ी में, इसको रख दिया गाड़ी में और अब जाके करते हैं अपना गार्डनिंग। बिस्मिल्लाह, गमला हमारा तैयार है, बस अब इसमें मिट्टी डालते हैं और अपना काम शुरू करते हैं हम लोग।
अब इसके अंदर जगह बनाते हैं अपने उसकी बैठने। ऐसे चेक करो, काम करते करते छड़ गए यार चपला वाले। चंबेली को तो मैंने लगा दिया है, ये अब रात में खुशबू देंगी माशाल्लाह। साथ में वो शहतूत, उसके साथ एक जंगली पौधा, उसके साथ मेरे ओरेंजेस लगे हैं, ये तो मैंने खुद लगाए थे अपने हाथों से। बाकी ये चंबेली वाला भाई का काम भी हो गया माशाल्लाह, चेक करिए इंशाल्लाह इनकी खुशबू आएगी शाम को। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। और ये तो बोरियां पत्थरों की जो मैं लेके आया था अपने कार पार्क में डालने के लिए, दिखाता हूँ मैं इस वाली जगह पे। और मुझे नहीं यकीन कि इतने महंगे पत्थर मैं इधर डालूंगा, क्योंकि मेरा दिल खफा हो गया उन पत्थरों को देख के। इधर कीचड़ में जाने के बजाय उनको किसी और अच्छी जगह पे लगा। कार पार्क में कहीं से मैं ईंटें, या मैं यूजली एक रिवर है मेरे घर के पास वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से बोरी भर के लेके आऊंगा और इंशाल्लाह ताला इस कार पार्क में वो वाले पत्थर डालेंगे। गाइज आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी छोटी चीजें पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ, या फिर मे बी इस व्लॉग के बाद वो कमरे वाले व्लॉग के साथ। तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।